नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर हाजरा डॉट कॉम और आज हम आपसे बातें करेंगे ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे अकाउंट ओपन जो होता है वो किस काम में आता है और उसमें ट्रेडिंग होती है किस सेगमेंट में होती है, या कमोडिटी के लिए अलग खुलवाना पड़ेगा या कमोडिटी और इक्विटी का दोनों का साथ में खुल जाएगा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लगेगी और उसकी प्रोसेस क्या है और उसमें फ़ीस कितनी लगती है, सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। दोस्तों ये है चैनल है और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए हम सीधा चलते हैं साइट पर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको गूगल से लेके चलूँगा। गूगल में अगर आपको अभी हम बात करें जैसे ज़ीरोधा की, ठीक है दोस्तों, तो ज़ीरोधा में आपने सबसे पहले क्लिक किया, जैसे ही आप ज़ीरोधा पे क्लिक करते हैं सबसे ऊपर ज़ीरोधा की साइट खुल जाती है और ज़ीरोधा को मेन साइट पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं ज़ीरोधा के मेन पेज पे। अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सामने ही सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ पर अभी कर्सर चल रहा है साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप नाउ पे क्लिक करते हैं आपको 10 नंबर जो आपके मोबाइल नंबर है 10 डिजिट के वो यहाँ पर देने होते हैं। और आप जैसे ही 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देते हैं आपको अंदर ले जाएगा। हालांकि मेरा अभी रजिस्टर्ड हो रखा है तो मैं अभी इसको रजिस्टर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अभी प्रोसेस बता देता हूं प्रोसेस क्या है। आप साइन अप करते हैं, अंदर चले जाएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म होगा, उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी पे भी एक कन्फर्मेशन लिंक जाती है आप उसको कन्फर्म कर लीजिए। और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपकी जानकारी के अनुसार, जैसे आपका नाम है, आधार नंबर है, पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक की या तो स्टेटमेंट दे दीजिए, आप जो सामने वाला पेज होता है उसका फ़ोटो खींच के, आपके साइन, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये कर देंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अकाउंट ओपन करने के लिए पैसा कितना लगता है। तो यहाँ पर आप इसमें जाएंगे प्राइसिंग में तो आपको सामने ही सामने दिख जाएगा कि क्या प्राइस होती है, जिसे ट्रेड करने के लिए क्या पैसे लिए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इक्विटी में अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं कि आज ख़रीदा कल बेचा या 2-4 दिन बाद बेचा तो जीरो देना है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जीरो मतलब सब कुछ जीरो, हालांकि दलाली जो होती है वो जीरो होती है, जो बाकी सरकार की तरफ से जो टैक्स लगाए जाते हैं उन पर किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती, वो आपको देना ही है। यानी आपने 100 रुपये का एक शेयर ख़रीदा और कल अगर आप 100 रुपये में ही बेच देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में कुछ माइनस नहीं आएगा। जो सरकार द्वारा जो टैक्स लिया जाता है आपसे वो तो सारे ब्रोकर्स को देना पड़ेगा, तो ये भी कोई इनसे बाहर नहीं है। इंट्राडे और एफएनडो ट्रेड, अब इंट्राडे और एफएनडो का मतलब ये होता है दोस्तों, इंट्राडे एक तो कैश में कर सकते हैं आप या फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हैं। फ्लैट 20 रुपीज़ R.01%, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सौदे पे 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा और कम से कम इतना लगेगा। इन दोनों में से जो नीचे रहेगा, मान लीजिए ये जहाँ जो हाईलाइट हो रखा है इस हिसाब से अगर आपकी ब्रोकरेज बनती है 15 रुपये तो आपको फिर 20 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 15 रुपये ही चार्ज होंगे। और ये सारी चीज़ें पे लागू होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है इक्विटी, फिर करेंसी, फिर कमोडिटी, सारी चीज़ें कवर होता है। वो म्यूचुअल फंड में आप 0 पे निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ वापस साइनअप पर चले जाइए, लिस्ट ऑफ चार्जेस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है क्या क्या कब कब पैसा देना है हमें। ब्रोकरेज की हमने बात कर ली है, जीरो देना। एसटीडी जिसका मैं बात करता था, सरकार द्वारा जो पैसा लिया जाता है 0.1% बाय और सेल दोनों पे लगता है, इक्विटी इंट्राडे पे कम लगता है सॉरी फ्यूचर पे और ऑप्शन पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जीएसटी हम सब दे ही रहे हैं। और ये होता है सेबी चार्ज जो कि 10 रुपये पर करोड़ पर लगता है। स्टाम्प ड्यूटी जो है और राज्यों के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब चार्जेस फॉर ऑप्शनल वैल्यू एडिट सर्विस। अब जैसे आपको स्टॉक की रिपोर्ट्स को इनसे निकालना है, ये जैसे शुरुआती ट्रेडर को ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कंपनी कमाने के पर्पज़ से प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ सबसे ऊपर जो एक चीज़ छूट रही है वो ये है कि सारी चीज़ें आपको नीचे समझा दिया गया, ये आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि आप अगर फिजिकल चाहिए तो आपको क्या पेमेंट गेट पे, अगर आप एक बार पेमेंट डालते हैं तो 9 रुपये प्लस GST काट लिया जाएगा आपका। फ़ोन लगा कर अगर कोई सा सौदा डलवाते हैं, सौदा कटवाते हैं
तो आपके 20 रुपये पर ट्रेड लगेंगे। बाय वे को इन पर 20 रुपये पर लगता है। अब AMC होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने शुरू साल अकाउंट खुलवाया, तो शुरू साल हो सकता है कंपनी आपको फ्री में दे दे, लेकिन उसके बाद आपको हर साल 300 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के इनको पे करना पड़ेंगे, प्लस GST जो भी लगता हो 18% 28% वो भी डिपॉजिटरी चार्ज का ही मतलब होता है दोस्तों। जैसे मान लो आज आपने कोई शेयर खरीदा, अब खरीदा और आपके डिमेंट में चला गया, अब जो डिमेंट अकाउंट जो मेंटेन करती है वो कंपनी, जैसे यहाँ पर CDSL है ठीक है, तो वो आपसे 13.50 रुपये पर स्क्रिप्ट लेगी, चाहे क्वांटिटी 1 हो या 1000 हो ठीक है। यदि आपने डिलीवरी में कोई सौदा उठाया है, कल बेचते हैं परसों बेचते हैं या 10 साल बाद बेचते हैं, तो 13.50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको सारी चीज़ें समझा दी है कि क्या है, कैसा है, कितना पैसा लगता है। सेम की सेम चीज़ें आपको यहीं में मिल जाएगी, करेंसी में और कमोडिटी में भी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ समझा दी गई है। तो ये है दोस्तों Zerodha का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। आपको यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई जानकारी लेना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं Zerodha में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर मोबाइल नंबर डालने की जगह बनी हुई है। वहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के अपने अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट खोलने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।